अपोलो अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रताप रेड्डी का बड़ा खुलासा आईसीयू के बारे में। जयललिता के दौरान कैमरे। अपोलो अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने आज कहा कि अस्पताल में सभी सीसीटीवी कैमरे पूरी अवधि के लिए बंद कर दिए गए थे। उनकी मृत्यु के एक साल बाद प्रतिष्ठित तमिलनाडु के नेता जे जयललिता के आखिरी दिनों में उनकी विरासत का दावा करने वाले राजनीतिक नेताओं के बीच गहन बहस का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री के लंबे समय के साथी वीके शशिकला के कुछ दिनों बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल के अध्यक्ष डॉ प्रताप रेड्डी ने अस्पताल में भारी सुरक्षा कंबल के बारे में बताया था, जहां सीसीटीवी थे बंद और एक पूरे अनुभाग खाली। अपोलो के अध्यक्ष ने कहा कि जयललिता के रहने के दौरान सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। 24 बेड इंटेंसिव केयर यूनिट को खाली किया गया था, वह एकमात्र मरीज थे, उन्होंने कहा। वीके शशिकला ने कहा था कि जयललिता को अस्पताल में चार बार वीडियोग्राफ किया गया था। 69 दिन के उपचार के बाद दिसंबर 2016 में अस्पताल में 69 वर्षीय की मृत्यु हो गई थी। डॉ रेड्डी ने आज कहा कि अस्पताल में सभी सीसीटीवी कैमरों को पूरी अवधि के लिए बंद कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि 24 बेड इंटेंसिव केयर यूनिट को खाली किया गया था और वह वहां एकमात्र मरीज थे। सुश्री शशिकला भ्रष्टाचार के मामले में जेल में जेल की गई थी ने कहा था कि जयललिता को अस्पताल में चार बार अस्पताल में वीडियोग्राफ किया गया था और एनएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं ओ पन्नीर सेल्वम और एम तम्बिदुरई भी शामिल थे। दोनों नेताओं ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती के दौरान किसी भी समय जयललिता से मिलने की अनुमति नहीं थी। जयललिता के अस्पताल में भर्ती और उपचार के दौरान कथित गोपनीयता पर उठाए गए सवालों में उनके दावे बढ़ गए हैं। अपोलो अस्पताल ने पहले ही मुख्यमंत्री के इलाज के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दी है। आज चेन्नई में एक मेडिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर डॉ रेड्डी को संवाददाताओं से पूछा गया कि क्या अस्पताल ने सीसीटीवी फुटेज जारी की है। दुर्भाग्यवश उन्होंने सभी 75 दिनों के लिए सभी सीसीटीवी को बंद कर दिया। उन्होंने कैमरे को हटा दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सभी लोग देखे जाएं। डॉ रेड्डी ने कहा। वयोवृद्ध चिकित्सक ने कहा कि जैसे ही तत्कालीन मुख्यमंत्री को भर्ती कराया गया था, गहन केयर यूनिट तक पहुंच बंद हो गई थी। सभी मरीजों को एक अन्य आईसीयू में ले जाया गया था। यह आईसीयू केवल उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आईसीयू में 24 कमरों में से केवल एक का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा किसी भी आगंतुक को उससे मिलने की अनुमति नहीं थी। डॉ रेड्डी ने कहा। अस्पताल ने कहा उन्होंने अपना सबसे अच्छा किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने के बाद प्रतिष्ठित नेता हार गए। सुश्री जयललिता की मौत के बारे में सवाल आंशिक रूप से 3 महीने के भीतर एआईएडीएमके की सत्ता में विभाजित हो गए। उन्होंने 2 गुटों के बीच दोष खेल को बल दिया। इसके बाद सुश्री ससाले और ओ पन्नीर सेल्वम का नेतृत्व किया। गुटों के बाद गहन प्रतिद्वंद्विता के महीनों के बाद समझौता। सुश्री शशिकला जो टीटीवी धिक्करण के साथ सौदा के हिस्से के रूप में हटा दिए गए थे, चेन्नई के आरके नगर में उनकी बड़ी जीत के बाद उनके भतीजे ने एक नया पार्टी शुरू करने के बाद राजनीतिक खेल में वापस आना तय किया है। इस निर्वाचन क्षेत्र की जयललिता ने उनकी मृत्यु तक प्रतिनिधित्व किया था और उनकी जीत को उनकी विरासत के लिए एक सफल बोली के रूप में देखा जाता है। श्री दिनाकरण ने जयललिता के बाद अपनी पार्टी ममका मुनेत्र का जगम नामित किया है। उसके समर्थकों के लाखों लोगों द्वारा अम्बा कहा जाता है।